हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूजी के पापड़ आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी सूजी और 2 स्पून ज़ीरा ले लिया है हमने, और यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ले लिया है। तो हमें जितनी हमने सूजी ली है उससे 1/4 हमें लेना है वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर 1 कटोरी सूजी है, तो हम इसमें नाप करके 4 कटोरी पानी डालेंगे। और अगर आप 2 कटोरी सूजी लोगे तो आपको 8 कटोरी पानी डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी नाप के डाल दिया है। और यहाँ पर हम डाल देंगे क्यूमिन सीड, ज़ीरा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, मोटी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। आप इसमें 1 स्पून नमक ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो नमक ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर 1 स्पून छोटा वाला हमने ऑयल डाला है इसमें, रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और थोड़ा थोड़ा सूजी डालते हुए चलाते रहेंगे, और इसी तरह से हमें चलाते हुए सूजी डालना है, एक साथ नहीं पलटी करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी सूजी डालते हुए चला रहे हैं, इसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर सब सूजी हमने इसमें डाल दी है। अब आप इसको गैस की हाई फ्लेम पर पकाएं, और फ्रेंड ध्यान रहे आपको इसको पकाते टाइम स्टिर करते रहना है, यानी कि चम्मच से इसको चलाते रहना है। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, यानी कि खचबच जब ये पकने लगेगी हमारी सूजी, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा होने आ गया है, अभी इसमें बॉयल नहीं आया है। तो हमें इसको बॉयल आने तक खूब अच्छे से पकाते रहना है। तो इसमें बॉयल आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और एक पेपर या पन्नी पर आप ऑयल से इसको ग्रेस कर लेंगे, और इस तरह से 1 चम्मच से डालेंगे और इस तरह से पूरे में फैला देंगे, इसको गोल शेप दे देंगे। अगर आप इसको बिल्कुल गोल गोल बनाना चाहते हैं तो एक गोल खांचा रेडी कर ले और उसको बीच में रख करके उसमें आप चम्मच से इसका पैटर्न डालें तो एकदम गोल आएंगे। तो इस तरह से हमने सभी पापड़ को बना दिया है, और अब इनको आप 2-3 दिन की धूप में सुखाएं, और उसके बाद में आपके पापड़ इस तरह से दिखेंगे। देखिए मेरे सूखे हुए पापड़ रेडी हो गए हैं सूजी के। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई होने के बाद इस तरह के दिखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रेंड्स।